प्रोफेसर अगला सवाल यह है कि क्या जिन्नात इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं या इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? खादिम हजरात, जिन्नात को इब्ने अब्बास और दूसरे मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक तीन मकामात हैं। एक तो असहाब को जो बताया गया है कि वो उड़ने वाले जिन्नात हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, फिजाओं में खबरें लेते हैं, अंदाज़ ज़िंदगी उनका थोड़ा सा जुदा। और दूसरे जिन्नात वो हैं जो नॉर्मली कुत्ते की शक्ल में होते हैं और सांप की शक्ल में। ये दो मेजर उसके पैटर्न्स हैं, उनकी नुमाइंदगी कुत्ते और सांप की शक्ल में, और ये अपने वजूद को मुतशक्ल कर लेते हैं जहां। और तीसरे जिन्नात वो हैं जो इंसानों के दिलों में बसते हैं और उनमें किसी किस्म की खासियत नरमी की और करम की नहीं छोड़ती। ये तीन किस्में हैं जिन्नात की। जैसे मैंने कहा कि पहली किस्म वो है जो घूमते फिरते उड़ते फिरते रहते हैं, ये वसावस के जिन्नात हैं। और दूसरी वो जो कुत्ते और सांप की शक्ल में होते हैं जो एक मजबूत इंसानों के खिलाफ मजबूत कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और तीसरे जिन्नात इंसानों के दिलों में रहते हैं, बज़ाहिर वो लोग इंसान होते हैं मगर बबातन उनकी शैतनत में कोई फ़र्क नहीं होता। जिन्नात इंसान पे काबू नहीं पा सकते क्योंकि जिन्नात के पास इतनी अकल नहीं है कि इंसान की रीज़न पे गालिब आ सके, मगर एक काम वो करते हैं कि इंसान की रीज़न ही ख़राब कर दें। तो रीज़न ख़राब करने का जो उनका वाहिद मोटिव है कि इंसान ज़िंदा है, बल्कि कुरान हकीम में इसका खुद खुदा ने ज़िक्र किया कि उन्होंने अल्लाह ने एक असूल बताया कि जिन्नात क्यों इंसान पर गलबा पाते हैं और किस तरह उनके दिलों में रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शख्स भी रहमान के ज़िक्र से गाफिल हुआ, जो भी शख्स रहमान के ज़िक्र से गाफिल हुआ, उस पर एक शैतान को गलबा दे, नुकय्यिज़ लहू शैतान, उस पर एक शैतान को गलबा दे दिया जाता है, फहुवा लहू करीन, वो उसके करीब रहता है। और यही असूल है, शैतान किसी उस शख्स पर ही आएगा जो खुदा के जिक्र से गाफिल होगा। अगर वो गाफिल होगा तो अल्लाह उससे हाथ खींच लेगा और कहेगा जिसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं जा सकती। जब वो अल्लाह को चाहेगा नहीं, मानेगा नहीं, उससे रजू नहीं करेगा तो उसको शैतान के गलबे में दे दिया जाएगा। फहुवा लहू करीन, वह हम वक्त उसके करीब रहेगा। बसा औकात हम जिन्नात को गैर मरई सूरतों में तलाश करते हैं। यही हम साहब सबसे हमारा बड़ा जो कन्फ्यूजन है कि हम जिन्नात को कभी भी किसी पॉश इंटेलिजेंट सूरत में नहीं देखते, या किसी बेहतर यमुल्ला की शक्ल में नहीं देखना चाहते, या किसी मुअज्ज़ज़ थ्री पीस की शक्ल में नहीं देखना। हमारा ख्याल है कि जब भी जिन्नात आएगा कुत्ते बिल्ले की शक्ल में आएगा, मगर ये गलत होता है। जिन्नात बड़ी सोफिस्टिकेशन रखते हैं, बड़ी बड़ी आला अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, और जिन्नात बड़ी नफीस आदात भी रखते हैं, मगर इन सब का मकसद सिर्फ ये होता है कि खुदा के जिक्र से बंदे को गाफिल करना, क्योंकि खुदा के जिक्र में इतनी ताकत है और उसका रिटर्न इतना बड़ा है कि फिर जिन उस बंदे के करीब नहीं जा सकता। फज़कुरून यज़कुरकुम, अगर तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, फिर खुदा का शुक्र करने वालों में तुम शायद शामिल हो जाओगे और तुम उसके इनकार से गुरेज करना शुरू कर दो। तो ये बड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज जिन्नात को वर्चुअली कोई फिजिकल पावर इंसान पर हासिल नहीं होती।